अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खजूर और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पर एक गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है। उसमें एक बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है, हमें फ्लेम को लो ही रखना है। तो फिर हम बादाम डाल देंगे और 2 मिनट के लिए चम्मच चलाते हुए हल्का सा उसको रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे इसको 2-2 मिनट भून कर। देखिए थोड़ा सा बादाम का कलर चेंज हो रहा है। अब हम बादाम को निकाल लेंगे। घी नितार यस इस तरह से घी नितार लेंगे एक साइड पर और बादाम को निकाल लेंगे। और उसी घी में हम काजू को रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम 2 मिनट चम्मच चलाते हुए काजू को भी दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए काजू का भी कलर चेंज हो गया है, इसको भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम अखरोट को रोस्ट कर लेंगे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट चाहिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हो और आप अपनी मनपसंद बर्फ़ी बना सकते हो, खजूर की बर्फ़ी। थोड़ा सा घी कम हो गया है तो हम और घी डालेंगे 1 चम्मच। अब हम किशमिश डाल देते हैं। इसको हम अच्छे से फूलने तक रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से फूल गई है। अब हम पिस्ता और मगजतरी के जो बीज आते हैं उसको भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को 2-2 मिनट के लिए हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए सारा ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब 1 चम्मच और घी डालेंगे हम। और यहाँ मैंने कीमिया खजूर आती है जो सॉफ्ट होती है, वो 1 डब्बा खजूर ले ली है। उसके मैंने बीज अंदर से निकाल दिए हैं। अब लो फ्लेम पे हम खजूर को चम्मच चलाते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए खजूर धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगी है। इस तरीके से हम चम्मच चलाते हुए अच्छे से खजूर को सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा घी कम लग रहा था मुझे तो मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया है। जब तक खजूर रोस्ट हो रही है तब तक हम अंजीर जो मैंने लिए थे उसको हम अंजीर को भी पीस लेते हैं मिक्सर में डाल कर। ये देखिए अंजीर अच्छे से पीस गए हैं। यहाँ खजूर भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर दी है, ऑफ कर दी है। पैन अभी भी गर्म है तो हम इसमें अंजीर को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे खजूर के साथ साथ। 2 मिनट चम्मच चलाकर हम अंजीर को भी खजूर के साथ रोस्ट कर लेंगे पीस ऐसा हल्का हल्का, ताकि दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अब विंटर आ रहा है। विंटर में ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और ये हमें खाना भी चाहिए। खजूर और ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी एनर्जेटिक होती है। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे, खजूर और अंजीर के मिश्रण को। उसमें हम ड्राई फ्रूट मिक्स करेंगे। हल्का हल्का गर्म है तो हम हाथों की मदद से अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे।
खजूर और ड्राई फ्रूट की जो बर्फ़ी है वो आप दिन में एक बार खा लो तो एनर्जी से भरपूर रहती है ये बर्फ़ी, तो एक बार ज़रूर बनाइए विंटर में। अब एक प्लेट में हमने इस तरीके से घी लगा लिया है, अब जो मिश्रण है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसे अच्छे से फैला देंगे प्लेट में। अब एक कटोरी की मदद से हम हल्के से नीचे से घी लगा लेंगे और इस तरीके से चारों तरफ से फैलाकर एक समान कर देंगे हम मिश्रण को। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऊपर भी घी की वजह से कितनी अच्छी शाइन आ गई है। अब इसको हम 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। ये देखिए अच्छे से सेट हो गए। इसके बाद हम चाकू की मदद से इसके पीसेस तैयार कर लेंगे। आप इसके लड्डू बनाना चाहो तो आप लड्डू भी बना सकते हो, आप जैसा शेप देना चाहो दे सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ये देखिए हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है चारों तरफ से। ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर